फ्रेंड्स मैं सुषमा वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप जेंट स्वेटर बच्चों के स्वेटर लेडीज कार्डिगन जैकेट गर्ल्स टॉप फ्रॉक कुर्ती कैप मफलर हाई नेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर यह डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको नौ के मल्टीपल फंदे लेकर चार फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा नौ के मल्टीपल देखिए आप इसमें नौ फंदे गिन लीजिए फिर से नौ फिर से नौ फिर से नौ इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके चार फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है छह सिलाइयों का डिजाइन है और बारह सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है बॉर्डर के बाद किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंड्स जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ तो यहाँ पर मैंने लिए हैं चालीस फंदे नौ के मल्टीपल करके और चार फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन की ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है तो देखिए पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे उतारिए या उल्टा बनाइए मैं हमेशा ही पहले फंदे को दोनों साइड से उल्टा बुनती हूँ जिससे हमारी ये किनारी मुड़ते नहीं है एस्टिच को उल्टा बुनने के बाद यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा अब देखिए दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे अब दो फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे धागा अपनी तरफ ही रहे एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ा दिया है यहाँ दो का एक करके हमने घटा दिया था तो एस्टिच को छोड़कर यहाँ तक हमने नौ फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे अब दो फंदे में आगे से सिलाई डालनी है अगर टाइट हो तो ऐसे लूज कर लीजिए फिर आगे से सिलाई डालकर दो का एक बना दीजिए तो एक फंदा कम हो गया धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ रहे एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया अब इसी नौ फंदे के डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे आगे से सिलाई डाल के दो फंदे का एक बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे देखिए एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को सीधा बना देंगे तो यहाँ पर हमने जो दो का एक किया वो जाली से बढ़ा दिया फिर से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे तो दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे अब दो फंदे अगर टाइट लगे तो ऐसे लूज कर लीजिए फिर आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे दो फंदे उल्टे बना देंगे धागा अपनी तरफ ही रहे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया जो हमने यहाँ पर घटा दिया है आपके जितने भी फंदे हों यही नौ नौ फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाएंगे तो लास्ट में तीन फंदे बचेंगे इनको उल्टा ही बना देंगे डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर देखिए जो फंदे हमने सीधी साइड पर उल्टे बुने हैं वो हमारे यहाँ सीधे बनाए जाएंगे जो सीधे बनाए वो यहाँ हम उल्टे बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे देखिए एक और ये जो जाली से हमने बनाया ये दो फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन ये सिर्फ़ एक ही सिलाई में ध्यान से बुनना होता है उसके बाद तो ये सीधे उल्टे अपने आप नज़र आने शुरू हो जाते हैं फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे ये उल्टे यही नौ नौ फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है दो सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो उल्टे देखिए एक और ये जाली वाला दो फिर से धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे ये उल्टे आ जाएंगे फिर से धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागे को पीछे ले जाएंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे इसमें से दो सीधे हो जाएंगे और एस्टिच को उल्टा बुन देंगे दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर तीसरी सिलाई को ध्यान से देखिए पहला फंदा एस्टिच है अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा तो एस्टिच के बाद देखिए दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे अब यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे ये वाला और ये वाला इन दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे देखिए एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ ही रहे देखिए एक जाली वाला और एक ये सीधा ये दो फंदे हम सीधे बुन देंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा हमारा देखिए बढ़ गया है जो हमने यहाँ पर घटाया तो एस्टिच के बाद यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे ध्यान से देखिए दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे दो फंदे में आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे। अब धागा अपनी तरफ ही रहे और ये वाले दो फंदे हम सीधे बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया फिर से धागा अपनी तरफ और डिजाइन को रिपीट करना है दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा ये सीधा अब इन दो फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागे को अपनी तरफ रखेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ ही रहे यहाँ पर देखिए धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाते हैं तो जाली आ जाती है आप इसमें ऐसे भी जाली बना सकती हैं धागा पीछे करके ऐसे लपेट दीजिए और फिर ये दो फंदे सीधे बना दीजिए दोनों तरीके से ही यहाँ पर हमारी जाली आ जाती है जैसे आपको आसान लगे वैसे बना सकती हैं और लास्ट में तीन फंदे बचे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे तीन सलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है यहाँ पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें वैसे ही बना दीजिए एस्टिच के बाद एक फंदा ये ये एस्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे फिर दो सीधे धागा अपनी तरफ और यहाँ तीन फंदे अब उल्टे आएंगे धागे को पीछे कर देंगे और दो फंदे ये सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बुन देंगे एस्टिच के बाद ये जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते हुए फोर्थ सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स चार सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं पांचवी सिलाई है और सीधी साइड है पांचवी सिलाई पर देखिए पहले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा एस्टिच के बाद दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे अब यहाँ पर देखिए ये सिर्फ एक ही फंदा बचा है तो इस वाले फंदे के साथ लेकर आगे से सिलाई डाल देंगे और यहाँ दो का एक कर देंगे तो यहाँ से हमारे सारे सीधे फंदे अब ख़त्म हो गए हैं धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे धागा अपनी तरफ ही रहे और यहाँ हम देखिए एक दो और ये तीन फंदे सीधे बनाए तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया यहाँ से जो फंदे कम किए वो जाली से यहाँ पर हमने पूरे कर दिए स्टिच के बाद यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ अब ये दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रखेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुन देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे ये जो दो फंदे यहाँ पर सीधे दिख रहे हैं अगर टाइट लगे तो ऐसे लूज कीजिए फिर आगे से सिलाई डालकर दो का एक बनाइए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब धागे को अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ तीन फंदे हम सीधे बना देंगे तो जाली से एक फंदा यहाँ बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे में आगे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए जाली से फंदा बढ़ गया लास्ट के तीन फंदे बचे हैं इनको उल्टा बुन देंगे पांच सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई छठी सिलाई है और उल्टी साइड है जो फंदे उल्टे नजर आए उनको उल्टा बना दीजिए और जो सीधे दिखे उनको सीधा बना दीजिए तो मैं सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए छठी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड छह सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं अब आ जाइए इसकी सातवीं सिलाई और सीधी साइड पर अब हमें बनानी यही छह सिलाइयाँ हैं सिर्फ इस डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी तो सातवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे कंप्लीट करेंगे पहला फंदा एस टीच है इसे हम उल्टा बनाएंगे अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा अपनी तरफ रहे अब ये जो हमारा फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो आगे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे तो ये देखिएगा एस्टिच को छोड़कर यहाँ तक हमने नौ फंदे का डिजाइन बनाया इसी डिजाइन को अब हम बार बार रिपीट करेंगे तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे ये सीधे इन दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे टाइट हो तो लूज कर लीजिए और फिर दो का एक कर देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब देखिएगा ये जो हमारा एक फंदा सीधा दिख रहा है इसे हम धागा अपनी तरफ करके सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया फिर से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करना है धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो ये फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे इन दो फंदे को ऐसे लूज कर लीजिए फिर आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे जो फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया वो यहाँ घटा दिया तो फंदे बराबर हो गए लास्ट में तीन फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बना देंगे सात सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई आठवीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए तो उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाते हुए मैं इसकी आठवीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ आठ सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है नौवीं सिलाई को देखिए पहला फंदा एस्टिच है इसे हम उल्टा बनाएंगे अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा तो देखिए एस्टिच के बाद दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ ही रहे और यहाँ हम दो फंदे सीधे बना देंगे देखिए जाली से बना हुआ एक और ये वाला दो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा और दो फंदे में आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे स्टिच को छोड़कर यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा हम अपनी तरफ रखेंगे और देखिए दो फंदे सीधे एक ये जाली वाला और एक ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा अब इन दो फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं देखिए दो उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और इन दो फंदे को हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ दो उल्टे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक बना देंगे धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के तीन फंदे हम उल्टे बुन देंगे नौ सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं दसवीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बना दीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स दस सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं ग्यारहवीं सिलाई है और सीधी साइड है पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा तो दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे देखिए एक दो और ये तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे हम और ये देखिए एक और ये दो हमारे जो सीधे दिख रहे हैं इनमें हम आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे तो यहाँ से हमारे सारे सीधे फंदे कम हो गए हैं और जाली से यहाँ पर बढ़ गए हैं इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और तीन फंदे हम ये सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और इन दो फंदे में अगर टाइट हो तो ऐसे लूज कीजिए आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे देखिए एक और ये दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे तीन फंदे सीधे देखिए एक दो और ये तीन धागा वापस अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे धागे को पीछे करेंगे इन दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा हम पीछे करेंगे आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे लास्ट में तीन फंदे बचे हैं इनको उल्टा बुन देंगे ग्यारह सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई बारहवीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाते हुए इसकी बारहवीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बारह सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है इन्हीं बारह बारह सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा आपका ये डिजाइन बनता चला जाएगा तो चलिए इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि डिजाइन रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो देखिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है और पहली सिलाई है पहला फंदा स्टिच है तो उसके बाद दो फंदे उल्टे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ ही रहे और एक फंदे को सीधा बना देंगे इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ ही रहे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे एक फंदे को सीधा बनाएंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे दो उल्टे धागा पीछे दो सीधे फिर दो फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे एक फंदे को सीधा बनाएंगे और लास्ट के तीन फंदे हम उल्टे बना देंगे उल्टी साइड की सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं तो इस तरह से नेक्स्ट बार की इसकी स्टार्टिंग हो गई है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें और ये डिजाइन बहुत ही स्ट्रेचेबल बनता है इसमें सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिए तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए थैंक यू